Hi guys, good to see you. Please confirm if I'm visible and audible here. You are please confirm कर दो. Please confirm this if I'm visible and audible. So we're going to have a very important session because this is, I mean, everybody's dream destination for those who are preparing for MHCET. जो जो लोग भी आप में से MHCET के लिए prepare करेगा, उसके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है GLC मुंबई, द गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई. तो हम इसके बारे में आज पूरा एक डिस्कशन करेंगे एज टू व्हाट आर दी प्लस एंड व्हाट आर दी प्रोज कॉन्स, कैसे आप इस कॉलेज में जा सकते हो, हाउ कैन यू डू वेल देयर. सो एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट जीएलसी मुंबई विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन, राइट? सो आई एम गोना बी स्टार्टिंग दिस इन अ मिनट, जस्ट क्विकली वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन इन विद अस. एंड सो एक मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. जीएलसी मुंबई के बारे में आई थिंक थोड़ा बहुत तो सुना होगा सबने, थोड़ा बहुत एक बेसिक सा आइडिया होगा कि कॉलेज कहाँ पर है, क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, है ना, व्हाट इज दी रैंकिंग एंड ऑल ऑफ दैट. देखिए, हाँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आज, ठीक है? आई गिव यू ऑल दी इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड इन दिस पर्टिकुलर सेशन, कि क्या कट ऑफ रहने वाला है ना, क्या इसके प्रोज कॉन्स हैं, मतलब कुछ प्रोज है कुछ कॉन्स भी हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस क्लास में. ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड टू सी यू गाइस हियर. चलो स्टार्ट कर देते हैं, है ना? वी कैन स्टार्ट नाउ. आई थिंक वी हैव इनफ पीपल टू क्विकली बिगिन विद दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली ब्रीफ यू थ्रू दिस, दैट अकेडमी हैज एक्सटेंडेड द ऑफर फॉर यू गाइस. सो अभी यू विल यू कैन गेट अप टू अ 40% ऑफ, बिकॉज 28 फरवरी को प्राइस हाइक आएगा, ठीक है? तो इस मंथ के एंड में इज गोइंग टू बी अ प्राइस हाइक, सो यू कैन यू नीड नॉट वेट फॉर इट, ठीक है? यू कैन टेक अ 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन और अ 12 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? एंड गेट अप टू 40% ऑफ ऑन दिस. तो ये दिस इज द बेस्ट डील दैट यू कैन गेट राइट नाउ. 16 से 21 फरवरी तक ये चलेगा, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ले सकते हो. इवन इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट 2024 और आपको लग रहा है कि बोर्ड के बाद शुरू करेंगे, अभी से सब्सक्रिप्शन लेके सिक्योर हो जाओ, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली आगे बढ़ा सको. उसके अलावा लॉ विस्तार एक बैच है, आज से शुरू है ना. आई विल बी ऑल्सो टेकिंग स्टैटिक जीके इन दिस, मैं इसमें स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा. मेरी क्लासेस इसमें शुरू होंगी मंडे से, ठीक है? आज फ्राइडे है शायद, टुडे इज थर्सडे, तो मेरी क्लास मंडे से शुरू होगी, ठीक है? मालपानी कोड यूज करके इसमें 40% ले सकते हो. इट्स 6 मंथ्स लॉन्ग बैच, तो उसके लिए आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप ओलेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे एल सैट, स्लैट, एमएचसीईटी, सीयूसीईटी, पीयूसीईटी, जितने भी आगे एग्जाम होंगे वो सब कवर किए जाएंगे, ठीक है? तो इसमें पीयूसीईटी वगैरह सब आ जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें आ जाएगा एक्चुअली, राइट? तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो. एंड दीज आर सम ऑफ द टॉपर्स फॉर क्लैट ऑन एकेडमी. यू गाइस कैन ऑल्सो यू कुड से ज्वाइन दिस लीग. तो सम ऑफ यू प्रॉब्ली आर डूइंग एमएचसीईटी फॉर अ बैकअप, सो दैट आप क्लैट अच्छे से लिख सको अगले साल. तो यू गाइस कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस लीग. एंड इनफैक्ट आई वुड लव यू इफ यू गाइस ज्वाइन दिस लीग, ठीक है? आई वुड एब्सोल्यूटली लव दैट. तो यहाँ पर AIR2, AIR37, AIR96, इन लोगों को अकेडमी ने फेलिसिटेट किया था, ठीक है? तो साहिल गुप्ता, प्रत्यूष एंड कोमल गढ़वाल गॉट कैश प्राइज फ्रॉम अन अकेडमी. तो यहाँ पर ही काफी ज्यादा एक तरह से आपको भी ये मिल सकता है. तो जो भी आप फीस दोगे वो तो एटलीस्ट रिफंड हो जाएगी, है ना? उसका डबल या ट्रिपल, या साहिल को तो 10 टाइम्स मिला है, तो वो भी आपको मिल सकता है. नाउ दिस इज जीएलसी मुंबई. मैं आपको एक बेसिक सा फोटो दिखा रहा हूँ जीएलसी मुंबई का. अ मेजर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट जीएलसी मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड एज अ ग्रेट नेम इन इंडिया ऑल्सो. इसका इंडिया में बहुत नाम है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, पूरे इंडिया में इसका काफी नाम है. तो सम ऑफ द ह्यूज और यू कुड से सम ऑफ द ग्रेट लॉयर्स ऑफ इंडिया लाइक राम जेठमलानी एंड ऑल, वो लोग भी यहां से पढ़े हुए हैं. और मतलब मुंबई सर्कल में तो उसका बहुत बड़ा नाम है, जेएलसी इज अ ह्यूज नेम देयर. क्योंकि आप अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करोगे ना, तो बॉम्बे हाईकोर्ट में आप बहुत सारे अच्छे लॉयर्स देखोगे जो जेएलसी से पढ़े हुए हैं. ओके, तो दिस इज दी आउटसाइड ऑफ द कॉलेज, विच ऑब्वियसली विल नॉट अपील यू टू मच, कि ऐसे कोई बहुत शानदार फोटो नहीं है, बट ये उसके आगे की फोटो है. ये अंदर क्लासरूम की फोटो एक है, कि हाउ डज दिस क्लासरूम वर्क. और आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको कुछ कुछ उसकी लाइब्रेरी वगैरह की फोटो मिल जाएगी, तो आप वो भी अपने आप चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है वो. नाउ कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आज के पर्टिकुलर सेशन में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ. आई विल ऑल्सो टेक एवरीबडीज डाउट्स, कि आप लोगों को क्या डाउट्स है जीएलसी मुंबई को लेके. तो देखो, मैं आई डिस्कस अबाउट इट्स एलुमनाई बेस, आई डिस्कस अबाउट द आइडियल लोकेशन, हाउ डज इट कम्पीट विद एनएलयूज,
इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स और इसकी फीस क्यों कितनी कम है. तो विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ठीक है, ये सब चीजें मैं आज के पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले. अब देखो, हम लोग क्या होते हैं जनरली व्हेन यू गो टू अ कॉलेज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड इवन स्टूडेंट्स वॉन्ट टू नो इज प्लेसमेंट्स, कि भाई प्लेसमेंट्स का क्या सीन होता है. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताता हूँ, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मतलब मैं इससे मुझे ये पता चला है कि जनरली क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी कॉलेज में चल जाओ, आप एनएलएस चले जाओ, आप नालसार चले जाओ, ठीक है, आप एनएलयू जोधपुर चले जाओ, एनयूजेएस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये सारे कॉलेजेस ना जनरली उन सिटीज में है जो कि आप यू विल नॉट फाइंड मेजर लॉ फर्म्स, ऑल द लॉ फर्म्स हियर. क्योंकि मेजर लॉ फर्म्स कहाँ कहाँ पर है, या तो दिल्ली एनसीआर में है या फिर वो मुंबई में. इधर देर इन दिल्ली एनसीआर और देर इन मुंबई, बैंगलोर वगैरह में आपको मिलेगी. बट कॉलेज में क्या होता है, देर इज अ मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया, राइट? मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है एक. तो मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया में क्या होता है कि जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलता है कि आपको मिनिमम 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है किसी भी कॉलेज में. तो अगर आप 75% क्लासेस ही जाओगे तो यू विल नॉट गेट टाइम टू इंटर्न ड्यूरिंग योर कॉलेज आवर्स. अब कॉलेज के जो 4 महीने का सेमेस्टर होता है, करीब 4.5 मंथ्स का एक सेमेस्टर होता है, उसमें आप इंटर्न नहीं कर सकते. लेकिन 4.5 मंथ्स के बाद में आपको 1.5 मंथ्स का ब्रेक मिलता है. सिमिलरली एक और सेमेस्टर होता है हर साल 4.5 मंथ्स का, और उसके बाद आपको 1.5 मंथ्स का ब्रेक मिलता है. तो टोटली अगर रफली देखा जाए तो आपके पास एक साल में 3 मंथ्स होते हैं जब आप इंटर्नशिप करते हो. उस टाइम पे छुट्टियां होती है, तो यू कैन गो टू मुंबई, दिल्ली, वेर एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस ऑल्सो, एंड यू कैन इंटर्न. अब जीएलसी का फायदा क्या है कि जीएलसी की जो क्लासेस है ना वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. तो जीएलसी में आप राउंड द ईयर इंटर्नशिप कर सकते हो. क्योंकि अब क्या हो गया कि जनरली अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली एनएलएस, नालसार, एनएलयू जोधपुर के स्टूडेंट्स को ऊपर प्रेफर किया जाएगा लॉ फर्म में एज कंपेयर टू अ जीएलसी स्टूडेंट, है ना. लेकिन वो वाले स्टूडेंट्स तो अवेलेबल ही नहीं है साल के 9 महीने, 4.5 प्लस 4.5 मंथ तक के लिए अवेलेबल ही नहीं है. तो इसीलिए ये टाइम मिलता है जब आप वहां पर जाकर इंटर्नशिप कर सकते हो विद योर कॉलेज ऑल्सो. और आपकी जॉब्स कैसे लगती है, या तो कॉलेज प्लेसमेंट होता है या फिर एक होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर, इसको पीपीओ बोलते हैं. तो अगर इंटर्नशिप में अगर आप अच्छा काम करते हो, इफ यू वर्क वेल इन द इंटर्नशिप, दे डायरेक्टली कीप यू एज एन एसोसिएट. मतलब वो आपको बोलते हैं कि कॉलेज के जस्ट बाद आप ज्वाइन कर लेना. तो वैसे भी होता है. तो देयर आर टू वेज इन विच यू कैन गेट अ जॉब. तो पीपीओ जनरली बहुत सारे बच्चों का लगता है. मतलब मैं भी जब मुंबई इंटर्नशिप करने गया था अच्छी अच्छी फर्म्स में भी, तो वहां पर मुझे जीएलसी के काफी सारे बच्चे मिलते थे. क्योंकि और वो ऐसे ऐसे बच्चे जो 6 6 महीने से इंटर्नशिप कर रहे हैं वहां पे, और उनको इतना एक्सपीरियंस होता है काम करने का बिकॉज वो वहीं पर रहते हैं. तो मुंबई में भी जीएलसी की सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज इन चर्च गेट, ठीक है. मुंबई में चर्च गेट पे ही एकदम स्टेशन से निकलते ही जीएलसी मुंबई है. और चर्च गेट एक मुंबई में वेस्टर्न लाइन है, उसका लास्ट स्टेशन है, या फिर फर्स्ट भी बोल सकते हो, उसका फर्स्ट स्टेशन है. और चर्च गेट के पास में ही बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं. तो यू कैन वॉक फ्रॉम चर्च गेट स्टेशन, यू कैन वॉक टू दोज लॉ फर्म्स, इतनी पास है, इट्स अ बेयरली 10 मिनट्स वॉक. तो सम ऑफ द टॉप लॉ फर्म्स आर इन चर्च गेट और मरीन ड्राइव, जो आसपास का एरिया है. बॉम्बे का सबसे पॉश एरिया है ये, ठीक है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया इन बॉम्बे. आपने मरीन ड्राइव वगैरह के बारे में सुना होगा, है ना. ये सब जो एरिया है वो सब यहीं पर है. जो बड़े बड़े हमें होटल दिखाते हैं ना, वो ओबरॉय और ये सब ताज वगैरह जो दिखाते हैं, वो भी एक कोलाबा जो एरिया है वो भी बहुत पास है यहाँ से, ठीक है. ऑल ऑफ दीज एरियाज आर वेरी क्लोज. तो जो हाई कोर्ट है या फिर जो बाकी सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज टू चर्च गेट एंड टू जीएलसी मुंबई. तो क्योंकि बॉम्बे इतनी बड़ी सिटी है कि अगर आपका कॉलेज भी जल्दी खत्म हो रहा है, मान लो आपका कॉलेज 10:30 11 बजे खत्म हो जाता है और आपके कॉलेज के 2 घंटे दूर है, तो आपको आने आने में इतना टाइम लग जाएगा. बट यहां पर वो इशू नहीं है ना. किसी भी आसपास की एरिया में पहुंचने में आपको 15 20 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और 15 20 मिनट में वहां पर आराम से पहुंच जाओगे जल्दी कॉलेज खत्म करके. तो इवन इफ यू मिस्ड आउट ऑन एन एनएलयू और आपको लगता है कि मेरा क्लैट नहीं ठीक से हो पाया, जीएलसी इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस अपॉर्चुनिटी, राइट. आपको डेफिनेटली यू शुड यू कैन से अंडरस्टैंड दिस कि जीएलसी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज जीएलसी. चलो ठीक है, जीएलसी में आप चले जाओगे, अगर मान लो आपका एडमिशन हो गया वहां पे, जीएलसी का एक कॉन है जो मैं आपको प्रो के साथ साथ बताऊंगा कि वहां पर ना देर इज नो कैंपस लाइफ. देर वहां पर कोई कैंपस लाइफ नहीं है. कैंपस लाइफ का मतलब होता है
यू विल नॉट हैव हॉस्टल्स इन जीएलसी, वो आपको अलग से मैनेज करने पड़ेंगे. ऑल दो यू, क्योंकि इतने सारे बच्चे रहते तो हॉस्टल तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा मुश्किल नहीं होता. तो जीएलसी की फीस काफी कम है ना. आई थिंक आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट दी फीस, मैंने उसकी वेबसाइट वगैरह चेक करने की कोशिश की तो लेटेस्ट मुझे बता नहीं रहे, बट मैं कुछ स्टूडेंट से पूछ लूंगा और मैं आपको बता दूंगा. मेरे हिसाब से जीएलसी की ईयरली फीस समवेयर अराउंड 60 to 80,000 ओनली, ईयरली फीस है ये, इससे भी कम हो सकती है ठीक है, या फीस कैन बी लेस देन दिस ऑल्सो. तो आपका मैक्सिमम अगर आप अकोमोडेशन के साथ भी देखोगे ना, तो साल भर का खर्चा अराउंड 2 लाख के आसपास आएगा ठीक है, विच इज लेस देन दैट ऑफ एन एनएलयू. कि कोई भी ऐसा एनएलयू नहीं है जिसकी फीस 2 लाख रुपए से कम हो. सारे अभी एनएलयू दिल्ली ने तो 3.4 लाख कर दी अपनी फीस ठीक है, तो सारे एनएलयू 2.5 लाख 3 लाख के आसपास ही फीस है. तो आप ये बहुत एक बड़ा फायदा है कि आप सस्ते में भी पढ़ लोगे. मुंबई में पढ़ोगे तो मुंबई में अपने आप ही लाइफ बहुत अच्छी है ना. वहां पर अदर देन स्टडीज ऑल्सो यू विल गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है उस एरिया में राइट. अब एक मेन बात ये है कि एमएचसीटी में, क्योंकि जनरली जीएलसी फर्स्ट या सेकंड प्रेफरेंस रहता है लोगों का, तो यू हैव टू स्कोर रियली वेल. तो अगर आपका 150 मार्क्स का पेपर है ना, जीएलसी का कट ऑफ जनरली क्लोज टू 120, 120 से लेके 125 तक होता है. तो अगर आप इतने में स्कोर कर पाओगे, इफ यू कैन स्कोर समवेयर क्लोज टू 120 to 125, यू आर सॉर्टेड, फिर आपको जीएलसी मिल जाएगा. बट इससे कम में दिक्कत है ठीक है. 6,000 पर ईयर है. नहीं, आपने शायद 3 ईयर LLB का देख लिया होगा है ना. मैं एक बार चेक करके फिर भी बता दूंगा. आई विल स्टिल चेक इट एंड गेट बैक टू यू ऑन दिस राइट. तो ये आप डेफिनेटली इस एग्जाम को ठीक से दो. एमएचसीईटी के कट ऑफ हाई होने का एक ये भी रीजन है कि इसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो है ना. ऐसा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी एक है. आप कभी भी किसी भी लॉ फर्म में जाओ, तो लॉ फर्म में मैंने जनरली देखा है कि देयर इज, यू कुड से, स्लाइटली वो वाला कल्चर है ठीक है. हाँ, मैं आपको देखकर बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट है ना. कितना भी होगा 60 से ज्यादा नहीं है ठीक है, इट इज नॉट मोर देन 60, इससे कम ही आएगा ठीक है. हॉस्टल बहुत महंगे होते हैं. नहीं, हॉस्टल कितना भी महंगा हो, एक जो स्टूडेंट वाला हॉस्टल होता है ना, तो वो 10-12 हजार रुपए महीने से ज्यादा का नहीं होता है ना. कितना भी एक्सपेंसिव हो, वो 10-12 हजार के ऊपर आपको नहीं पड़ेगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट राइट. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, 125 मार्क्स इज फॉर अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ठीक है. अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. जो महाराष्ट्र का होगा उसको एक क्लियर एडवांटेज है, बिकॉज उनको रिजर्वेशन होता है वहां पे. तो इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, यू कैन, अगर इफ यू स्कोर समवेयर क्लोज टू से 110+, देन यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इन टू जीएलसी मुंबई ठीक है. हाँ, मतलब हॉस्टल तो लोग क्या करते हैं कि दो रूम में, एक रूम में दो जने रह लेते हैं, कभी तीन भी रह लेते हैं, तो वो कॉस्ट बचाने के लिए चल जाता है. स्टूडेंट लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है राइट. तो ये इसका एक थोड़ा कॉन है कि इसकी कैंपस लाइफ नहीं है. सुबह से आप जाओगे लेकिन शाम को यू विल कम बैक. बाकी एनएलयूज में क्या होता है कि आप सारे कैंपस लाइफ जीते हो. इवन आईएलएस पुणे में भी ऐसा है कि देयर इज अ प्रॉपर कैंपस लाइफ. सो काफी सारे स्टूडेंट जीएलसी के ऊपर आजकल आईएलएस को ले लेते हैं बिकॉज ऑफ कैंपस लाइफ. ऑल्दो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको ये. जीएलसी इज एनी डे अ बेटर सूट फॉर, यू कुड से, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब और समथिंग लाइक दैट एज कंपेयर टू आईएलएस पुणे ठीक है. जीएलसी आप उससे पहले चूज करोगे आइडियली, वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ हम और कुछ कुछ पॉइंट्स पर पॉन्डर करने वाले थे. लोकेशन हमने डिस्कस किया है, एनएलयू वाले डिस्कस कर लिया हमने. वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस एज टू व्हाट इज दी करिकुलम. इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं क्या होती है, कि जीएलसी वालों को भी पता है कि बच्चे इंटर्नशिप करते हैं राउंड द ईयर, और वो प्रैक्टिकल नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट सेकेंड ईयर के बाद में ऐसे होता है कि आपकी क्लासेस ना सुबह 10-11 बजे खत्म हो जाती है. बस सुबह जल्दी शुरू करते हैं वो 7 बजे के आसपास, एंड दे एंडेड बाय 10 और 11 AM. अब आपकी अगर क्लास इतनी जल्दी खत्म हो गई और ऐसे 15 मिनट में आपको लॉ फर्म पहुंचना है, तो आप टाइम से इंटर्नशिप पे पहुंच जाते हो. सालों, मतलब रोज एकदम सालों साल इंटर्नशिप करते हैं बच्चे. मतलब ऐसे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, अच्छी अच्छी जगह पे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं राइट. इसका सबसे जीएलसी की अच्छी बात यह है कि इनका जो जनरल बाकी चीजों का भी कल्चर है ना, जो आजकल कन्वेंशनल कॉलेजेस में कम है, एनएलयूज में है बट कन्वेंशनल कॉलेजेस में इतना स्ट्रांग नहीं है, वो जीएलसी में है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट मूटिंग ठीक है, मूटिंग कल्चर इज प्रिटी गुड इन जीएलसी. अगर आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो तो ऑल्दो कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं है, बट इसके पास में ही देर आर टू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स ठीक है. अगर आपने ब्रेबॉर्न स्टेडियम का नाम सुना है, ब्रेबॉर्न और वानखेड़े, ये दोनों स्टेडियम एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर है. मतलब 2-2 मिनट का वॉक है ठीक है, 2 मिनट का वॉक है, इतना पास में.
तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम और वानखेड़े दोनों एकदम पास में। पेड इंटर्नशिप सारी नहीं होती है ना, नॉट ऑल द इंटर्नशिप्स आर पेड इंटर्नशिप्स, बट इंटर्नशिप्स लोग इसलिए करते हैं बिकॉज दे वांट टू बिल्ड देयर सीवी। जब आप अपना सीवी बनाते हो, जब आप बाद में जॉब इंटरव्यू देते हो ना, तो अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स की होती है तो इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू इट, एंड गेटिंग अ जॉब गेट्स इजियर, तो यू विल अर्न गुड मनी लेटर। जनरली लॉ फर्म में ऐसा देखा गया है कि दे डू नॉट गिव यू अ वेरी हैंडसम स्टाइपेंड, सम ऑफ देम डू नॉट गिव यू स्टाइपेंड एट ऑल ऑल्सो, बट दैट्स ओके, आई मीन दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, राइट। तो एवरेज पैकेज कभी किसी यहाँ पे लॉ में कॉलेज का नहीं होता है, ठीक है। एवरेज पैकेज वो MBA और IIT वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लॉ फर्म्स होती है। सो देयर आर टी थ्री कैटेगरी ऑफ लॉ फर्म्स, Tier 1, Tier 2 एंड Tier 3, तीन कैटेगरी की लॉ फर्म्स हैं। तो Tier 1 में जो आपका पैकेज होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड, आप जब तक ग्रेजुएट करोगे तो इट विल बी 20 लाख के आसपास, ठीक है, 20 लाख पर एनम एटलीस्ट इतना हो जाएगा। अगर हम Tier 2 की बात करें तो इट विल बी समवेयर अराउंड 16 to 17 लाख पर एनम, और अगर हम Tier 3 की बात करें तो इट विल बी समवेयर अराउंड 10 to 11 लाख पर एनम। ये तीन कैटेगरीज हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि किसी कॉलेज से कितना प्लेसमेंट है, तो अगर आपको Tier 1 फर्म में जॉब मिली, आपको अच्छी इंटर्नशिप मिली और आपने वहां से किया है, तो आपको इतना पैकेज होगा, Tier 2 में इतना और ये इतना। हाँ, दिस इज फॉर कॉर्पोरेट लॉयर्स, दिस इज फॉर दोज पीपल हु गो टू अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म। अब कई बार आपको लगता है कि नहीं, हमें कॉर्पोरेट में शायद इंटरेस्ट नहीं है, हमको लिटिगेशन करना है, तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म के क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जा रहे हो Tier 1, है ना, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जा रहे हो, बट आपको शुरू में पैसा भी कमाना है, क्योंकि लिटिगेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग में पैसा नहीं होता, पीछे जाके आप खुद को स्टैब्लिश कर लो तो अच्छा पैसा होता है, राइट। तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म में व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको, आप इसके अंदर जाके भी एक लिटिगेशन टीम होती है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन द लिटिगेशन टीम ऑफ द कॉर्पोरेट लॉ फर्म। तो चाहे फिर आप कॉर्पोरेट टीम में हो उस फर्म की, चाहे आप उस फर्म की फिर लिटिगेशन टीम में हो, पैसे आपको सेम मिलते हैं। तो अगर इसको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपको लिटिगेशन फी में भी 20 लाख रुपए मिलेंगे, तो ये एक अच्छी बात है, ये एक पैरिटी रहती है कि बोथ दी पीपल इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, अलग अलग टीम्स होती हैं, सो देर आर लाइक 10-12 टीम्स, और भी ज्यादा टीम्स होती हैं अलग अलग फर्म में, एक ही फर्म में, ठीक है। मतलब कोई अलग, कोई कैपिटल मार्केट्स की होगी, कोई कॉम्पिटिशन लॉ की होगी, कोई IBC की टीम होगी, है ना, कोई जनरल कॉर्पोरेट की है, कोई लिटिगेशन की है, ऐसे अलग अलग टीम्स होती हैं, राइट। तो आप कोई भी टीम में जा सकते हो। प्रेपरेशन इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग से क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको MHCET के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके दिमाग में, वो पूछ सकते हो आप मेरे से, राइट। एक सेकेंड गाइस, ओके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहां पर गेटिंग अ गुड जॉब इज अ वेरी गुड चांस फॉर ऑल ऑफ यू, तो यू गाइस कैन श्योरली ट्राई दिस आउट, एंड ये एक अच्छा, मतलब ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते बिकॉज दे आर टू ऑब्सेस्ड विद NLUs, राइट। इस स्टडीज इफेक्ट होती है ऑल ओवर इंटर्नशिप से। यार ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं ना, तो इन अ लॉ स्कूल इंटर्नशिप, अ गुड इंटर्नशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन जनरल एकेडमिक्स, तो स्टडीज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज एट द एंड ऑफ द डे आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको नौकरी चाहिए इसलिए, यू वॉन्ट टू डू अ जॉब समवेयर, दैट इज वाई यू स्टडी, तो वो थ्योरी पढ़ने से कोई खास फायदा होता नहीं, आप प्रैक्टिकलिटी सीख रहे हो लॉ फर्म में जाके, या आपने किसी लॉयर के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी जज के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो चीजें ज्यादा काम आती है, तो उस हिसाब का CV अच्छा बिल्ड हो जाता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनएलयू नॉन एनएलयू, डिफरेंस तो मतलब देखो, GLC इज अ नॉन एनएलयू बट इट इज एट पार विद सम ऑफ द, यू कुड से, लास्ट वाले Tier 1 या फिर शुरू के Tier 2 एनएलयूज, GLC को अच्छा रखा जाता है काफी, राइट। एनएलयूज तो वही है जो नेशनल यूनिवर्सिटीज होती हैं, वही एनएलयूज हैं, उसके अलावा सारे नॉन एनएलयूज हैं, तो मेजर डिफरेंस होता है प्लेसमेंट्स का, बट GLC में वो काफी हद तक कवर्ड है। तो मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट एनएलयूज में कैसे होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड Day 0, तो इसमें Day 0 में क्या होता है, और ये सिर्फ कुछ एनएलयूज में होता है, मतलब इट हैपेंस इन NLS, इट हैपेंस इन नालसार, इट हैपेंस इन NLU जोधपुर, इट हैपेंस इन NUJS, इट हैपेंस इन NLU दिल्ली, इट हैपेंस इन GNLU एंड NLIU, ठीक है, सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस में होता है ये Day 0। इंडिया में लॉ कॉलेजेस की बात करें तो Day 0 इन्हीं कॉलेजेस में होता है, जहां पर लॉ फर्म्स आती हैं। मान लो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करी कि भाई अप्रैल 2
2023 ठीक है, अप्रैल 2, 2023 को आज डे जीरो होएगा, मतलब इस दिन को डे जीरो होगा। तो जितनी भी इंडिया में बड़ी बड़ी फॉर्म्स है ना, उनको सबको इनविटेशन जाएगा और वो सारी की सारी फॉर्म्स फिर अपने हिसाब से आती हैं और वो आपके इंटरव्यूज देती हैं। कुछ ऑनलाइन ले लेती हैं, मतलब कुछ वीडियो कॉल से ले लेती हैं अपने ऑफिस में बैठ के, और कुछ फिजिकली आती है। तो आपकी जॉब ना यहां से लगती है, उसको डे जीरो बोलते हैं। बट ये हर कॉलेज में नहीं होता। तो मेजर जो आपको टॉप इंटरव्यूज में जाने के लिए बोलते हैं ना, तो उसका यही फायदा है कि जॉब लगने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि डे जीरो होता है। जीएलसी में डे जीरो नहीं होता, जीएलसी में यू विल नॉट फाइंड डे जीरो जैसा सीन। लेकिन जीएलसी की अच्छी बात यह है कि आपको इंटर्नशिप इतनी आसानी से मिलती है कि आपका पीपीओ लग जाता है वहां पे। आपकी चाहे डे जीरो पे जॉब लगे या आपकी पीपीओ पे जॉब लगे, आपके पैकेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यू विल नॉट, यू कुड से लूज आउट ऑन योर पैकेज। तो इसीलिए इट्स वेरी सिंपल, आपको यू कैन गो टू जीएलसी ठीक है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन दिस थिंग। सेकंड सॉरी, यू कैन गो टू जीएलसी, वर्क ऑन गेटिंग गुड इंटर्नशिप्स ठीक है। पहले साल में इंटर्नशिप नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, है ना। लेकिन धीरे धीरे करके आपको कॉलेज में समझा देंगे आपके सीनियर्स की कैसे इंटर्नशिप पे काम करना है, साथ साथ क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है। कॉलेज में जाके आप एकदम बिजी हो जाओगे अपने आप ही, यू विल गेट वेरी बिजी इन कॉलेज ठीक है। एंड इंटर्नशिप के बाद में आपको कैसे अपना प्लेसमेंट लेना है, किस तरह से आपको काम करना है। मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट जीएलसी में भी, 5 साल का कॉलेज है, बच्चे फोर्थ ईयर में प्लेस हो जाते हैं और फिफ्थ ईयर में फिर वो मजे करते हैं। मतलब दे डोंट हैव टू गो टू कॉलेज ऑल्सो टू मच, तो वो बहुत आराम से फिर मुंबई की लाइफ जीते हैं ना। मुंबई में ये भी है, अब मैं जैसे एनएलयू जोधपुर का हूँ, तो जोधपुर में आई ऑल्सो गॉट प्लेस इन फोर्थ ईयर, लेकिन अब जोधपुर में फिफ्थ ईयर में क्या करूंगा मैं, राइट। मुंबई में ये फायदा है कि यू कैन एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मुंबई, यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मुंबई, तो वो फायदा है। प्लस ये बहुत अच्छी जगह पर है, तो आप काफी सारी चीजों में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए आप डेफिनेटली यू कैन वर्क ऑन दिस। कैन वी स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ विद बोर्ड ऑल्सो? अगर आपका क्लैट में 3,000 रैंक आया ना, तो आपका बहुत अच्छा चांस है कि आप एमएचसीईटी में अच्छा करोगे। क्योंकि आप ये सोचो कि पहले के जो 2,000 बच्चे हैं ना, वो तो निकल चुके हैं किसी किसी एनएलयू में ठीक है। तो ना यू आर अमंग टॉप 1,000 पीपल, आपको बस उस पर थोड़ा सा इंप्रूव करना है एंड यू कैन डेफिनेटली वर्क इट आउट। एनएलयू मुंबई इज ऑल्सो गुड, एनएलयू मुंबई, लेकिन वही है कि इट यू विल नॉट गेट इट थ्रू एमएचसीईटी, वो आपको थ्रू क्लैट मिलेगा। एनएलयू मुंबई इज ऑल्सो प्रेटी गुड ठीक है। आई एम फ्रॉम मुंबई, आई डोंट हैव टू गो टू हॉस्टल्स, डू आई फॉर जीएलसी और सिम्बायोसिस पुणे? आई वुड सजेस्ट जीएलसी मुंबई ओवर सिम्बायोसिस पुणे इफ यू आर फ्रॉम मुंबई। अगर आप मुंबई से हो तो आप जीएलसी मुंबई जा सकते हो ओवर सिम्बायोसिस पुणे, बिकॉज सिम्बायोसिस पुणे में भी आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा, सॉरी कॉलेज से बाहर रहना पड़ेगा, है ना। वहां पर भी देर इज नो हॉस्टल इन साइड द कॉलेज, तो वो एक क्राइटेरिया वहां पर भी है। तो इट्स बेटर टू स्टे इन योर होम प्लेस, ओन प्लेस विच इज मुंबई अगेन, है ना। इज अ बेटर सिटी when it comes to law and it has the high court and everything else, so it makes more sense there ठीक है। MHCET college classes, नहीं, classes तो regularly होती है, classes का ऐसा कुछ problem नहीं है। बट जब आप कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्लासेस की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। मतलब आपको एक पॉइंट पर लगेगा कि अरे रोज नहीं हो तो ही बेटर है ना, क्योंकि हमको बहुत सारी और चीजें करने को होती है वहां पे। तो इवन इफ स्टूडेंट्स आर इन कॉलेज, दे डू नॉट गो टू क्लासेस एवरी डे, है ना। ये आपको कॉलेज में जाके पता चलेगा, हमें वो स्कूल में लगता है कि भाई यहाँ पे क्लासेस नहीं होगी तो क्या होगा, ये क्या होगा। कॉलेज में ऐसा नहीं होता, कॉलेज में द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वेरी डिफरेंट, पर्टिकुलरली इन लॉ स्कूल इट्स एक्सट्रीमली डिफरेंट। तो क्लासेस में आपको कुछ थ्योरी सिखाई जाती है, लेकिन यू नीड टू लर्न प्रैक्टिकलिटीज, द बेसिक्स ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आपको यू कुछ इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। आपने लॉ एज अ प्रोफेशन जनरली भी सुना होगा कि आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होते तो ज्यादा फायदा होता है, तो आप ऐसी जगहों पर जाके कॉलेजेस में जाके कॉन्टैक्ट बनाते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि वो बाद में दोनों तीनों मिलके अपनी लॉ फर्म्स खोल लेते हैं खुद की, है ना। छोटा सा स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे उसको अच्छा भी कर लेते हैं। तो आप लोग भी ये चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। सी इफ यू वर्क हार्ड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू एंड जीएलसी प्रोवाइड यू अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। जीएलसी आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कई लोगों को ये हिंडरेंस है कि भाई इसमें तो 80 to 85% रिजर्वेशन होता है महाराष्ट्र के लिए, बट वो जो 15 से 20% का आपको क्वेश्चन मिलता है ना, दैट इज गुड इनफ। 15 से 20% वाला क्वेश्चन इज गुड इनफ टू मेक इट थ्रू जीएलसी। आप आराम से मतलब जीएलसी जा सकते हो इतने से क्वेश्चन में भी, दैट इज नेवर एन इश्यू, राइट। अब कोई आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लो। इफ देर इज एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू गाइज डिड नॉट अंडरस्टैंड और डिड नॉट एड्रेस इन दिस पर्टिकुलर सेशन, आप मेरे से पूछ सकते हो। इफ देर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू आस्क,
अभी इनफैक्ट ना एमएचसीटी का एक नया बैच शुरू हुआ है अनअकैडमी पे, ठीक है? न्यू एमएचसीटी बैच स्टार्टेड, आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? मालपानी कोड यूज करके आपको 40% मिल जाएगा। तो इट्स अ स्टोर बैच, मतलब आप अनअकैडमी के स्टोर पे, मतलब अनअकैडमी में आप ऐप पे देखना, एक स्टोर का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है? तो इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल बैच, कुछ जैसे आई डोंट नो कितने, 1.5 महीने ही बचा है ना, 1.5 महीने का बैच है वो, तो उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ये कोड यूज करके, और आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली आगे बढ़ा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो। तो आज ही से शुरू हुआ है, 16 से शुरू हुआ है, ठीक है? विच टू प्रेफर, एमएचसीटी और सीयूईटी? सी इट डिपेंड्स विच कॉलेज आर यू गेटिंग अंडर एमएचसीटी एंड अंडर सीयूईटी। इफ यू आर गेटिंग जीएलसी मुंबई और आईएलएस पुणे, प्रेफर इट ओवर एनी सीयूईटी कॉलेज। बट उसके बाद भी अगर आपको कॉलेजेस मिल रहे हैं, देन मे बी सीयूईटी का जेएमआई या फिर बीएचयू वगैरह लोग कई बार लेते हैं, ठीक है? आईएलएस पुणे इज ऑल्सो गुड, जीएलसी मुंबई एंड आईएलएस पुणे, दीज आर टू गुड कॉलेजेस दैट यू कैन डेफिनेटली टेक, ठीक है? ये दो कॉलेजेस हैं जो आप श्योरली ले सकते हो, राइट? सो एनीथिंग एल्स गाइस, एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन? ₹25,700 SC9 1530, यार थोड़ा मुश्किल है, इट सीम्स डिफिकल्ट, एनएलयू सीम्स डिफिकल्ट, जीएलसी और एनएलयू मुंबई में तो कौन सा अच्छा है? यार सी, एनएलयू मुंबई हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर, मतलब उसका थोड़े प्रोज थोड़े कॉन्स ये हैं कि कॉन में उसके पास अपना बिल्डिंग नहीं है, इट डज नॉट हैव इट्स ओन कैंपस, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। वो बोल रहे बनाएंगे बनाएंगे, बट उसको बोलते बोलते 8 साल हो गए अब, तो अगर वो बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एनएलयू मुंबई इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, यू कैन डेफिनेटली टेक इट, उसमें वो एनएलयू टैग लग जाता है आप पे एक तो, है ना? लेकिन अगर वो मतलब आपको लगता है कि नहीं यार जो ज्यादा फीस है, कम फीस करके रह सकते हैं आराम से, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट समवेयर एल्स, तो जीएलसी इज ऑल्सो प्रीटी गुड, जीएलसी बहुत लोग जाते हैं ओवर एनएलयू मुंबई ऑल्सो एट टाइम्स, ठीक है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यार मेरे को लगता है कि रजिस्ट्रेशन आई थिंक विल स्टार्ट सम टाइम इन मार्च, उसका 1 अप्रैल को एग्जाम है, रजिस्ट्रेशन या तो फरवरी एंड में लास्ट वीक में स्टार्ट होंगे या मार्च में, तो नो बडी इज गोइंग टू मिस दी फॉर्म फॉर श्योर, मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि आपको एग्जाम देना था फॉर्म भरना भूल गए, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? जैसे ही फॉर्म आएगा हर जगह एकदम वो बातें उड़ने लग जाएंगी कि अरे फॉर्म आ गया फॉर्म आ गया, तो पीपल विल स्टार्ट फिलिंग दी फॉर्म्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि फॉर्म मेरा रह जाएगा, वरी अबाउट दी प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन में किस तरह से करो उसकी, ठीक है? अब उसकी टेंशन करो, याद है? क्लियर है गाइस? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू डिस्कस हियर? Anything else that we had probably not discussed so far? नहीं, लेट फॉर्म आने की वजह से नहीं होगा, वो फॉर्म में भरने के लिए आपको 2 वीक का टाइम मिनिमम दे ही देंगे, दे विल गिव यू 2 वीक्स ऑफ टाइम, एंड डोंट एक्सपेक्ट अ डिले, बिकॉज आपको कई बार क्या होता है कि जैसे बोर्ड का एग्जाम 31 को खत्म हो रहा है और 1 तारीख को इसका एग्जाम है, तो जो महाराष्ट्र का एग्जाम है ना ये, तो इसकी डेट आपके सीबीएसई के हिसाब से नहीं चलती, इसकी डेट महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से चलती है, तो इसीलिए एग्जाम 1 तारीख को ही मान के चलो, और इसमें मत एक्सपेक्ट करो कि डिले भी होगा, तो ट्राई टू प्रिपेयर विद द सेम टाइमलाइन जो भी है ना, वी डोंट हैव टू यूज आर ब्रेन की एग्जाम कब होगा फॉर्म कब आएगा, जो आपके कंट्रोल में बस वो करो, प्रिपरेशन को ठीक से करो, राइट? सो दैट इज इट फ्रॉम दिस सेशन फ्रॉम माई एंड, है ना? मैं आई विल टेक योर लीव नाउ, आई विल स्टार्ट माई करंट अफेयर्स क्लास एट 5 PM फॉर ऑल ऑफ यू, सो फील फ्री टू कम टू दैट क्लास, जो लोग क्लैट वगैरह के लिए भी आगे प्रिपेयर कर रहे हैं। एम एच सी टी के कोर्स के बारे में बता दूँ, देखो एम एच सी टी के कोर्स में आपको बता देता हूँ बेसिक से क्या होगा, एक सेकेंड, तो उसमें इट इज अ कोर्स दैट स्टार्ट टूडे, ठीक है? फरवरी 16 को वो कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, अगर आप मालपानी कोड यूज करोगे तो आपको 35 से 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? जैसे मैंने बताया कि इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, तो पांचों के अलग अलग एजुकेटर्स हैं, वो आपको गाइड करते रहेंगे, इसमें 4 से 5 मॉक टेस्ट भी होंगे, है ना? 4 से 5 मॉक टेस्ट भी होंगे आपके लिए एमएचसीटी से पहले, 1 अप्रैल से पहले, तो वो मॉक टेस्ट आप दोगे ऑब्वियसली, एंड उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन से अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस हियर एंड देयर, आप काफी सारी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना? तो वो भी आपको एक फायदा मिल जाएगा, सो टीचर्स वुड बी टीचिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट, यू कैन ऑब्वियसली आस्क योर डाउट्स एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो क्लास में जाके, तो वो एक एडवांटेज है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है अबाउट दैट बैच, तो आप मेरे से पूछ सकते हो,
ये मतलब बेसिक था बैच का। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि यू नीड टू आस्क, अब आप मेरे से पूछ सकते हो, राइट? सो दैट्स इट गाइस। आपको मैं मैथ्स लूंगा मार्च के बाद, अप्रैल में, है ना, उससे पहले नहीं लूंगा मैं। तो चलो, थैंक यू देन, है ना, हैव अ गुड डे, बाय गाइस।